अगर आप भी पहली बार देखोगे ना तो बोलोगे भाई ये क्या सामान दिया है, कैसे फिट करूं। और ऊपर लग चुका है शावर, जिसका वीडियो हम काफी पहले से आपको बता चुके हैं। और ऊपर लग चुका है शावर जिसका वीडियो आपके पास बहुत पहले ही ला चुके हैं। अब चलिए हम एंथिम का फिटिंग शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है आपको इसको कटिंग करना पड़ेगा ढक्कन निकाल के। किस तरीके से देख लीजिए, टाइल्स का लेवल में पूरा आपको साइड से इस तरीके से ब्लेड या फिर आपके पास छुरी होगा, छुरी से शायद अच्छा नहीं कटेगा, इससे ही काट लीजिए। बाकी जब तक कट रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिए, जिसका नाम है DR प्लम्बर और यूट्यूब चैनल का नाम है ABCD सब कुछ प्लम्बिंग। आपका सब्सक्राइब हुआ कि नहीं पता नहीं, वीडियो को लाइक किया हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन कट चुका है यहाँ पर पूरा कंप्लीट। आप चलिए बॉक्स के पास दिखाते हैं। सर जी यहाँ पर देख लीजिए, इसका अपर पार्ट का प्राइस सिर्फ 65,000 है। अगर ये रोज गोल्ड या गोल्ड में रहता तो और भी ज़्यादा प्राइस होता, ये क्रोम कलर का है तो इसके लिए थोड़ा सा कम प्राइस है, लेकिन हमारे लिए तो भाई साहब पहाड़ों जैसे प्राइस है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस सब लोगो है आपका अपर पार्ट का, चलिए सब कुछ दिखाएंगे, फिटिंग करेंगे, मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो हम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, मतलब एक बॉक्स में क्या क्या आता है वो आपको दिखा रहे हैं, कितना सामान आता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अभी बहुत सामान निकलने बाकी है, वो सारा सामान निकालता हूँ। और यहाँ पर जो है ना एक स्प्रिंग वगैरह आता है, उस सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है ना ये किधर फिटिंग होता है वो ध्यान से देखिएगा। और दो एलेंकी है, इतना सामान है घूम ना जाए, इसकी वजह से एक साइड करके रख देता हूँ। और ये स्क्रू वगैरह है और एक केप है जिसे नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। अब जो चार स्क्रू है ना, यहाँ पर एक लगेगा, इसके ऊपर एक लगेगा और राइट साइड में आपका यहाँ पर नीचे एक और इस कॉर्नर पे एक लगने वाला है। और यहाँ पर प्लेट में आप देख लो कहाँ कहाँ से आने वाला है, इसमें एक लगेगा, यहाँ पर एक लग जाएगा और यहाँ पर जो है इस दोनों कॉर्नर में आपका स्क्रू जाके सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेट को किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए दोनों साइड आपका, एक साइड बाहर निकला हुआ है और इस साइड जो है ना एक फॉर्म जैसा है, सिलिकॉन जैसा प्लेट में लगा हुआ है, तो वो जो है आपका दीवार में चिपक जाएगा, ठीक है। अब इस सब जो है ना आपका ऑपरेटिंग बल्ब, इस सब को आपको क्या करना है, इस तरीके से राइट साइड सभी को घुमा देना है और प्रेस करके सब बाहर निकाल देना है, ठीक है। घुमाना है राइट साइड और बाहर निकाल के रखना है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अंदर मत रख दीजिएगा। ये चीज़ आपको नोट करना है, चार पांच चीज़ जो है इसमें नोट करिएगा बस, और कुछ नहीं तो आपका परफेक्ट फिटिंग हो जाएगा। आप ये जो है दीवार में पूरा चिपक गया, मतलब हमारा जो थर्माकोल था वो परफेक्ट तरीके से कट चुका है। अब इसका स्क्रू उठाते हैं और इसे हम जल्द से जल्द पहले टाइट कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर छोटा सा स्पॉन्सर कर रहा हूँ, स्कीपर पाइप से रिलेटेड, जिसमें आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड हर सामान मिल जाएगा। अगर आप सैनिटरी वायर, एसेसरी वायर, इस सब भी आप ढूंढेंगे स्कीपर पाइप में मिल जाएगा, यहाँ तक कि डायमीटर भी मिल जाएगा आपको, CPVC, UPVC, HDFC, SWR, कॉलम्स पाइप, केसिंग पाइप, हर तरीके का पाइप स्कीपर पाइप में अवेलेबल है। और साथ में ढेर सारा फिटिंग्स भी मिल जाएगा स्कीपर पाइप में, जिस सब पाइप है। अब जो है यहाँ पर हमारा प्लेट टाइट हो चुका है, लेकिन पूरा तरीके से टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज रखना है और बबल लेवल आपको लेना जरूरी है, या फिर आप नज़र से भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपका कंसील में हल्का सा अप डाउन हुआ ना फिटिंग में, तो इसे आप हल्का सा एडजस्ट करके उसके बाद बबल लेवल रख के इसे आप परफेक्ट तरीके से टाइट कर दीजिएगा। और ये वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंसील में कभी कभी हल्का सा अप डाउन हो सकता है, तो वो चीज़ के लिए ये वाला काफ़ी फायदा है। एडजस्ट करके आप बबल लेवल से देख सकते हो और या टाइप्स में भी यहाँ लेवल देख सकते हो मेजरमेंट करके। और यहाँ पर देख लीजिए, इसे इस तरीके से अंदर नहीं रखना है, इसे इस तरीके से बाहर निकाल के रखना है, उसके बाद इसे आपको कटिंग करना है सभी को, ठीक है। किस तरीके से, किस साइड से हम कटिंग कर रहे हैं वो देख लीजिए, दबा कर बिल्कुल वो जो PVC कवर है उसके बिल्कुल साइड से इस तरीके से आपको लेवल से कटिंग कर देना है। बड़ा रखेंगे तो नहीं फिट होगा, फिट होगा मतलब वो जो है ना आपका बाहर लगेगा और गंदा दिखेगा, वो क्या चीज़ है चलिए आगे हम दिखाते हैं। अब कितना खूबसूरत लग रहा है देख लीजिए, अभी तो सिर्फ 50% काम हुआ है और भी बहुत सारा काम बाकी है, जब तक होगा तब तक बहुत खूबसूरत दिखेगा। अब 4-स्टार स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये जो छोटा छोटा ब्रास वाला अब स्क्रू देख रहे हो ना, इस सब खोल के गटर में फेंक देना है, बिल्कुल नहीं हाथ में रखना है या फिर साइड में रख देना है, क्योंकि ये सारा चीज़ काम में लगने वाला है। तो हम भी इस सब स्क्रू को साइड में आराम से रख देते हैं ताकि घूमे ना। और इस सब PVC ढक्कन को जो है ना आपको निकाल देना है, क्यों निकालना है, क्योंकि वो और काम करनी है, इस सब आप फेंक दो कोई परवाह नहीं। अब ये हेड लगने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए हेड में ऊपर साइड एक लाइनिंग है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी एक डॉट है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइनिंग और ऊपर का जो प्लास्टिक वाला ऊँचा वाला देख रहे हो ना, इस लाइनिंग को और इसको आपको मैचिंग करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसे आपको राइट साइड घुमा के रखना है, इस तरीके से आपको लेफ्ट नहीं करना है। अंदर एक देख लीजिए वहाँ पर भी ऊंचा जैसा प्लास्टिक में मार्किंग जैसा है, उसे आपको ऊपर की साइड रखना है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको रखना है ध्यान से। आप इसके अंदर जो है एक लॉक सिस्टम है, अंदर देख लीजिए ये वाला, उसमें जाके वो फंस जाएगा और प्रेशर अप डाउन आप कर सकते हो। उसके बाद इसे आप इस तरीके से ऊपर रखिएगा और उसके बाद इसमें आपको
क्या करना है, टाइट कर देना है। आप गलत तरीके से रख दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब के लिए जल्द से जल्द हम सभी का सब हेड लगा देते हैं और दूसरा चीज़ फिर दिखाते हैं। चारों का चार लग चुका है, जो स्विच ऑन ऑफ के जैसा काम करता है। और ये जो है आपका पीवीसी रबर है, सिलिकॉन जैसा है, ठीक है। इसे आपको यहाँ पर लगा देना है। इसे आप लगाइए या नहीं लगाइए कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है अपर पार्ट का फाइनल फिटिंग आता है, जिसमें पहले छोटा सा एक रहता है जिसमें वाइसर, देख लीजिए ये दोनों साइड है, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए एक लॉक, मतलब छोटा सा पतला अंदर खड्डा जैसा है। इसे आपको क्या करना है, पहले छोटा वाला राइट साइड से शुरुआत करना है और यहाँ पर ये प्रेस कर देना है। अब ये जो छोटा छोटा प्लेट का लोगो है ना, ये सब आपका पहचान देता है कौन सा पॉइंट किस में गया है, उस हिसाब से लगाइए। तो यहाँ पर जो रेन शावर में गया है, दो शावर का पॉइंट में गया है तो दो शावर का पॉइंट में लगा देता हूँ। बाकी एक स्पाउट पे गया है तो स्पाउट पे लगा देता हूँ। दूसरा बॉडी जेट वाला है तो बॉडी जेट पे लगा देता हूँ। और प्लेट के पीछे दो हुक जैसे दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए दो खड्डे जैसे है ना आपका, तो इसमें आपका जाके वो लॉक होकर बैठ जाता है चिपक के, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं जो ये खुलेगा नहीं, फिर आसानी से खोल सकते हो। और ये जो है फाइनल वाला है टेम्परेचर सेट करने के लिए, जिसमें दो वाइसर भी दिया है और यहाँ पर दो होल भी है। एक जो है यहाँ देख लीजिए नीचे एक होल है और एक ऊपर साइड है, ये दोनों में जाके ये फिट हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें कॉलर भी लिखा है, तो थोड़ा ध्यान से देखकर आप लगा दीजिएगा। अब इतना तो फिटिंग ईजी है, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो छोटा एलंकी संभाल के रखा था, इसे आप लगाने का वक्त आ गया है इस टेम्परेचर लॉक किट में। इसमें हम दोनों साइड पहले थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसे जो फिटिंग करना है ना, वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप जेगुआर टेगुआर का लगाए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए चार हुक जैसे है लॉक, और इस लाइन में भी आपका देख लीजिए बॉडी में, यहाँ पर भी नीचे ऊपर करके टोटल जो है ये चार है, ठीक है। इसे आपको फिट करना है, लेकिन किस तरीके से फिट करना है, जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से हम रख रहे हैं ना, इस तरीके से रखिएगा तो ये वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए और लगाइए, और उसके बाद इसे आपको पूरा यहाँ पर प्रेस कर देना है। आप इसको जो है दबा कर रख के आपको टाइट करना है। और यहाँ जो है ना, जिस तरीके से स्ट्रेट करके किस तरीके से लगाया देख लीजिए, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में किस तरीके से, उस तरीके से रख कर टाइट करिएगा। मतलब उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, उल्टा पुल्टा करिएगा तो आपका उसका ऊपर का हेड जो है वो काम नहीं करेगा। और इसे प्रेस करके रख के आपको टाइट करना है। अब ये आता है दो वाइसर, एक स्प्रिंग वाला एक पीवीसी वाला। यहाँ पर दो सिस्टम से आप लगा सकते हो, इस तरीके से अंदर पहले डाल दीजिए या फिर हेड में इस तरीके से रख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर लगा दीजिए। लेकिन इस तरीके से नहीं, हम पहले स्प्रिंग यहाँ रखते हैं, उसके बाद पीवीसी वाइसर रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉफ्ट वर्क नहीं करेगा। और हेड का जो यहाँ पर देख लीजिए एक बटन है, उसे आपको नीचे साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसे आप प्रेस कर दीजिए और इसे आपको थोड़ा सा दबा कर रखना पड़ेगा। और इस क्यों ना, यहाँ एक खड्डा दिख रहा है ना आपको, इस खड्डे में ये लॉक लगेगा। खड्डा नहीं दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ये लॉक यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, आपको आसानी से समझाने के लिए ये फिर करना पड़ा मुझे। यहाँ पर खड्डा देख लीजिए, अब इसे आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है दबा के, और एक हाथ में आपको इस तरीके से वहाँ फिट कर देना है। तो ये क्या है, लॉक हो गया। अब हेड जो है आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लेफ्ट में घुमाइएगा तो आपका गर्म पानी, राइट में घुमाइएगा तो आपका ठंडा पानी। आप यहाँ पर भी दो हुक जैसे है और इसके अंदर भी देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जाकर ये बैठ जाएगा, ओके। ये दोनों का साइज है, तो इसे आपको ध्यान से इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है। अब ये हो चुका है पूरा फिट। अब केप जो है, केप में भी एक लाइनिंग है, ऊपर की साइड रहेगा ये। यहाँ पर देख लीजिए एक ऊँचा सा जैसा दिख रहा है और यहाँ जो है एक खड्डा है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर साइड इस तरीके से हेड को, कैप को, सॉरी कैप को रख के आपको यहाँ फिटिंग कर देना है। अब मेरा बॉडी जेट वगैरह सब रेडी हो चुका है, अब आपको दिखाने का बारी आ चुका है पानी चालू करके। तो चलिए पानी चालू करते हैं और देख लीजिए किस तरीके से वर्क करता है। पहले स्पाउट इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इस सब जो है ना, प्रेशर अप डाउन भी आप कर सकते हो, लेकिन आप दिखाएंगे बॉडी जेट और शावर में प्रेशर अप डाउन थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा पानी वेस्टेज नहीं करेंगे, ये हमारा देखने का भी काम है, क्योंकि काम करने के बाद एक बार देखना भी पड़ता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है प्रेशर थोड़ा कम किया हूँ। इसमें आप लेफ्ट राइट करेंगे ना तो प्रेशर आपका कम नहीं होगा। और एक साथ आप चारों का चार यूज कर सकते हो, मतलब बॉडी जेट, स्पाउट, शावर, जितना सारा है ना, इसमें सभी चीज आप एक साथ यूज कर सकते हो, सभी का मजा एक साथ ले सकते हो।
बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।